और एक चीज, चाय इन्होंने मार्को दी 38 रुपए की एक चाय, मतलब 40 रुपए की एक चाय, और उसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं थी। ये साले अभी अभी उठेस होकर लगी हुई है बस जो जिसमें हम आए हुए थे सब लोग, मतलब एक बस दो ट्रैवलर्स की हुई है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज जॉन, कैसे हो आप सब, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो हम अभी हैं इस जगह का नाम क्या है, केसरी ढाबा, वो ढाबे का नाम पता है। दोस्तों हम यहाँ हरियाणा में एक केसरी ढाबा में रुके हैं और आज हम जा रहे हैं नोएडा, दिल्ली में है वो शारदा यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस है फार्माको विजिलेंस को लेके, तो हम उसके लिए जा रहे हैं। पर असल में हम घूमने आए हैं, हमारे को कॉन्फ्रेंस का कोई भी शौक नहीं है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी हो गया और सुबह के 6 बजे हुए हैं, वहाँ पे हमारी बस लगी हुई है और ही इज माय सन फैन, नो गाली गलोच, ये परवरिश दी है मैं तेरे को सन किस्ट। टाइम बता दो, 8:02 हुए, 6 बजे दोस्तों हमारे टीचर्स को लगता नहीं है, देख के हमारे टीचर्स है बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल है। स्माइल क्यों कर रहा है तू? मैंने कहा कि स्माइल। बच्चे अभी जो है अंदर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, जैसे ही वो आ जाते हैं फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। ये अपने रोहित भाई एक ट्रैवलर है, यहाँ पे अपने रोहित भाई है, पीछे बाबा है, ये उसके कंडक्टर है। कंडक्टर मैं दिखाता हूँ आपको, ये रहा कौन है, पीछे कौन इसको ये साले अभी अभी उठेस होकर लगी हुई है बस जो जिसमें हम आए हुए थे सब लोग, मतलब एक बस दो ट्रैवलर्स की हुई है। तो ये जो ढाबा है यहाँ पे कभी मत आना, यहाँ पे एक ही परांठा हमारे को 150 का पड़ा था अभी ब्रेकफास्ट में। तो गाइस कितना छोटा सा कालू सा कुत्तू है, बिल्कुल मेरे चश्मे की तरह। और आपको दिखाएंगे दोस्तों आगे कैसे कैसे हम यहाँ से जाते हैं और कैसे कैसे पहुँचेंगे यहाँ। और एक चीज़, चाय इन्होंने हमारे को दी 38 रुपए की एक चाय, मतलब 40 रुपए की एक चाय, और उसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों? बाकी तुम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है ब्लॉग में, तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी दिखाता हूँ मैं आपको कैसा रहता है हमारे आगे का सफ़र, चलते हैं बस में। वो फाइनली गाइज वी आर हेयर एट द शारदा यूनिवर्सिटी, वहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही ब्लैक, ये यूनिवर्सिटी बहुत बेटर है। मैं पता नहीं अभी लाशी क्यों गया, बहुत पछतावा रहा है, क्यों भाई? तो हमने डिसाइड किया है इस यूनिवर्सिटी की सबसे सेक्सी बंदी को ऑफर मारेंगे। मुझे शारदा यूनिवर्सिटी की टॉपर मिली है। हेलो, मैं संजय हूँ, अभिलाषी जैसी बेकार यूनिवर्सिटी का टॉपर, शायद मेरा बैचमेट और झूठ पकड़ा गया। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा है यहाँ पे खाना खाने के लिए पास कार्ड, मैस कार्ड, और ये बहुत मैस मचा रहे हैं यहाँ पे, और हम अभी खाने की तलाश में आए हैं यूनिवर्सिटी को। ये है भाई, यहाँ पे खाना खाएंगे हम लोग, शोर इतना लग रहा है, चिड़ियाघर है भाई, यहाँ खाना खाने के लिए पड़ेगा रोज मेरे को लाइन में खड़ना, मतलब जब तक मैं यहाँ हूँ। बाप रे बाप, बीजे चला गया है गाइस खाना ढूंढने, मिला खाना कोशिश कर रहा है खाना ढूंढने की तलाश में, बीजे कुमार
पीयूष भाई मदद कर इसकी यार। यहाँ देखो गाइस बोर्ड लगी पड़ी है, कोई और चॉइस नहीं गाइस, हम भी खड़े हैं लाइन में काम के लाके भी। Few moments later. यहाँ देखो गाइस बेचारे अभी लाशन बस बिठा के रखा है, सोचा था ताजमहल देखने जाएंगे। Moments later. तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने कमरे को, मैं आपको कमरा दिखा सकता था पर यहाँ कमरे में मैंने बहुत ज्यादा गंद डाल दी पहुँचते ही, और आज का दिन तुम लोगों ने देख ही लिया है कि मेरी बुरी तरह फटी पड़ी हुई थी, दिल्ली की गर्मी सहन नहीं हो रही, और अभी भी फैन चला के रखा है, एसी भी है, एसी भी है इस कमरे में, पर ये एसी काम ही नहीं कर रहा है तो कुछ फायदा नहीं है इसका। बाकी एनीवेज दोस्तों मैंने सोचा था कि मैं आगरा भी जाऊंगा, दिल्ली में और जगह भी घूमूंगा, पर यहाँ की गर्मी है ना सहन नहीं हो रही है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि कल घर ही निकल जाऊँ। मम्मी और पापा की याद भी आ रही है।